मुकेश अग्निहोत्री ने देखी थी डॉक्टर पुष्पेंद्र की कुंडली और उसमें जीतने के योग दिखे तो उन्हें टिकट दिया गया। यह बात खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमीरपुर में जो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा कहेंगे वही होगा। जिन लोगों ने हमीरपुर के साथ विश्वासघात किया उन लोगों के पास मत जाओ। ये बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में आयोजित जनसभाओं में कही। उन्होंने कहा कि अब तक सब्जी मंडी, पशु मंडी एवं आईपीएल में खिलाड़ियों की मंडी लगती थी, लेकिन अब विधायकों की भी मंडी लग गई है। ये मंडी प्रदेश में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लगी है। उन्होंने कहा कि जनता जब देने पर आती है तो ढेरों देती है, लेकिन जब लेने पर आ जाए तो चमड़ी भी उतार देती है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कहते हैं कि सरकार गिरेगी। जयराम कंगना के साथ चले तो वे एक जगह गिर गए, कंगना ने ध्यान भी नहीं दिया और चलती रही। तब से ये गिरेगी गिरेगी लगा रहे हैं। अगले 42 महीने सरकार कांग्रेस की है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब डॉक्टर पुष्पेंद्र टिकट मांगने आए थे तो हमने इनकी कुंडली देखी थी जिसमें इनके जीतने का पूरा योग दिखा। और अब इकट्ठे होके बोलो, डॉक्टर 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 डॉक्टर, ओनली डॉक्टर ओनली डॉक्टर। और आपने पूरे प्यार भरा हाथ जो है अपने दोनों हाथ डॉक्टर पे रखने हैं और ये आपकी सेवा करेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पानी का कोई भी काम होगा, चाहे नलका लगना हो, चाहे हौदी लगना हो, चाहे टैंक बनना हो, चाहे पाइपें पड़नी हो, चाहे कितने भी करोड़ों का काम होगा, मुकेश अग्निहोत्री डॉक्टर के साथ है, जो भी होगा करेगा। और यहाँ बसों चलाने के लिए कागज दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि चंडीगढ़ चला दो, चंडीगढ़ चलानी हो, दिल्ली चलानी हो, ब्यास चलानी हो, अमृतसर चलानी हो, शिमला चलानी हो, जहां भी चलानी हो, लेकिन डॉक्टर एमएलए होना चाहिए, एमएलए डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर को एमएलए बनाओ और जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।